स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की एक्ट अप्रेंटिसेस की वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये वैकेंसी में अप्लाई जो करेंगे वे आईटीआई पास जो कैंडिडेट हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका ओपनिंग डेट 15 नवंबर 2023 है और इसका क्लोजिंग डेट 14 दिसंबर 2023 है। तो इसमें जो अप्लाई करना चाहते हैं रेलवे की अप्रेंटिसशिप में, उसमें ये RRC NCR वेबसाइट https://www.rrcpry.org में अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वे एप्लीकेंट्स, इसमें ऑनलाइन RRC वेबसाइट में http://www.rrcpry.org में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की जो अप्रेंटिस की वैकेंसी है, इसमें ये एक्ट अप्रेंटिसेस एक्ट 1964 के अंतर्गत ये होगा और ये 1961 के अंतर्गत इसमें सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे डिवीज़न प्रयागराज, आगरा, झांसी एंड झांसी वर्कशॉप में 2023-24 सेशन के लिए होगा। तो इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है, एज क्राइटेरिया है 14/12/2023 में क्लोजिंग डेट है और इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं उसका मिनिमम 15 इयर्स एज होना चाहिए और मैक्सिमम 24 वर्ष 14 दिसंबर 2023 तक होना चाहिए। SC ST OBC इत्यादि कैटेगरी के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है एज में, और PWD कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष का ये रिलैक्सेशन दिया गया और एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज में 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया। इसमें डिफरेंट कम्युनिटी के लिए डेट ऑफ बर्थ का एक रेंज दिया गया है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड के लिए 14 दिसंबर 1999 से 14 दिसंबर 2008 तक के लिए, उसी तरह SC के लिए है, ST के लिए ये दिया गया है, OBC के लिए, PWD UR के लिए है, PWD SC ST के लिए है और PWD OBC के लिए ये है और PWS कैटेगरी के लिए ये एज का डेट ऑफ बर्थ का ये रखा गया है और एक्स सर्विसमैन UR के लिए 14 दिसंबर 2008 है और एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 14 दिसंबर 2008 रखा गया और एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 14 दिसंबर 2008 तक के लिए रखा गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसमें SSC मैट्रिक 10th क्लास या ये 10+2 सिस्टम में 50% मार्क्स होना चाहिए और ITI NCVT या SCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और इसमें ITI सर्टिफिकेट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का NCVT या SCVT से होना चाहिए। तो इसमें ट्रेड्स है फीटर, वेल्डर, आर्मेचर वाइंडर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ सैनिटरी, मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइनर, MMTM, क्रेन इत्यादि है और इसमें पेंटर जनरल, ड्राफ्टमैन सिविल, मैकेनिक डीजल, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस और स्टेनोग्राफर हिंदी, वायरमैन, टर्नर, ब्लैक स्मिथ इत्यादि ट्रेड्स है। तो इसमें SSC या मैट्रिक और ITI पास होना चाहिए। वैकेंसी में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें ट्रेड वाइज और डिवीजन और वर्कशॉप के अनुसार ये एक्ट अप्रेंटिसेस की वैकेंसी और SC ST OBC EWS कैटेगरीज के अनुसार ये स्लॉट्स दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट व्हिच वुड बी प्रिपेयर्ड टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय द एप्लीकेंट्स। यानी इसमें एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा मार्क्स के अनुसार इन बोथ मेट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स और ITI एग्जामिनेशन, यानी ITI और मैट्रिक दोनों के मार्क्स के एवरेज करके एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड एक लिस्ट बनाया जाएगा कैंडिडेट्स के लिए, जो कि डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट के लिए वेरिफिकेशन के लिए
1.5 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज, यानी जितनी वैकेंसी रहेगी उसका डेढ़ गुना इसमें एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और इसमें लिख रहा है देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, इसमें कोई रिटन टेस्ट और वाइवा नहीं होगी, ओनली मैट्रिक और आईटीआई की मार्क्स के मेरिट के अनुसार इसमें किया जाएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड यूनिट वाइज, इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट यूनिट वाइज किया जाएगा, और ट्रेड वाइज तथा कम्युनिटी वाइज ये स्लॉट्स के अनुसार किया जाएगा। इसमें कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स जो है, इसमें परसेंटेज ऑफ एसएससी का मार्क्स और आईटीआई का जो एवरेज मार्क्स है दोनों के बेसिस पर किया जाएगा। तो आईटीआई का सर्टिफिकेट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनसीबीटी या एससीबीटी से होना चाहिए, और ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा एनसीआर के द्वारा, जो कि स्लॉट्स में दिया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग पीरियड ये सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 ईयर का होगा, और स्टाइपेंड जो है ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार स्टाइपेंड इसमें दी जाएगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन, इसमें एप्लीकेशन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा, जिसमें इसका वेबसाइट है www.rrcpryi.org में कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें आधार कार्ड का भी 12 डिजिट का होना जरूरी है, और ये एप्लीकेंट्स के लिए एक्टिव मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। चॉइस ऑफ ओनली वन डिवीजन और वर्कशॉप इज परमिटेड, यानी आप किसी एक डिवीजन या एक वर्कशॉप को आप चॉइस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, इसमें जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे इसको देखिए, सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्मेट हैविंग फाइल साइज 50 KB to 200 KB, ये डॉक्यूमेंट को 50 KB से 200 KB के बीच अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कि क्लास 10th यानी एसएससी का मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट और आईटीआई का मार्कशीट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और जो कास्ट में आते हैं एससी एसटी इत्यादि उनके लिए सर्टिफिकेट या तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड करना। इसमें स्लॉट्स फॉर द ईयर 2023-24 के लिए स्लॉट्स दिया गया है, तो टेक फीटर के लिए 335 सीट है, टेक वेल्डर के लिए 13 सीट है, टेक कारपेंटर 11 सीट है, पेंटर जनरल 5 सीट है, यानी टोटल 364 सीट प्रयागराज डिवीजन के लिए है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए फीटर में 246 सीट है, वेल्डर में 9 सीट है, आर्मेचर वाइंडर 47 सीट है, कारपेंटर 5 सीट है, टेक क्रेन के लिए 8 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 15 सीट है, पेंटर के लिए 7 सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 सीट है, यानी टोटल 339 सीट है। झांसी डिवीजन में फीटर में 303 सीट है, इलेक्ट्रिशियन 89 सीट है, मशीनिस्ट 81 सीट है, पेंटर 5 सीट है, कारपेंटर 9 सीट है, ब्लैक स्मिथ 5 सीट है, वेल्डर 24 सीट है, टर्नर 6 सीट है, मशीनिस्ट 6 सीट है, यानी टोटल 528 सीट है। वर्कशॉप झांसी के लिए, इसमें फीटर 78 सीट है, वेल्डर 43 सीट है, MMTM 12 सीट है, मशीनिस्ट 10 सीट है, पेंटर 14 सीट है, इलेक्ट्रिशियन 10 सीट है, स्टेनोग्राफर 3 सीट है, यानी टोटल 170 सीट है। AGC आगरा डिवीजन के लिए फीटर 80 सीट है, इलेक्ट्रिशियन 125 सीट है, वेल्डर 15 सीट है, मशीनिस्ट 5 सीट है, कारपेंटर 5 सीट है, पेंटर 5 सीट है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए 8 सीट है, प्लम्बर 5 सीट है, ड्राफ्ट्समैन 5 सीट है, स्टेनोग्राफी इंग्लिश के लिए 4 सीट है, वायरमैन 13 सीट है, मैकेनिक कम ऑपरेटर कम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 15 सीट है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 5-6 सीट है, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर के लिए 5 सीट है, टोटल 296 सीट है। तो ये प्रोफार्मा दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी इत्यादि के लिए। तो ये वीडियो की वैकेंसी ये रेलवे की यहीं समाप्त कर रहे हैं। मैं वैकेंसी की वीडियो तथा थ्योरी प्रैक्टिकल इत्यादि आईटीआई से संबंधित वीडियो ये अपने चैनल आईटीआई आइकॉन चैनल में बनाता हूँ, अतः मेरे चैनल को देखने के लिए आईटीआई आइकॉन चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई मेरा क्लास करना चाहते हैं तो मेंबरशिप को ज्वाइन करें।